गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज हम आपके चैप्टर थ्री का शीर्षक है मन के भोले बादल नामक कविता का जो है अर्थ बतलाएंगे। मन के भोले भाले बादल, इसके राइटर हैं, कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। ठीक है, पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, जब आपके आपने देखा होगा कि जब बरसात होने का टाइम आता है, जब बारिश होती है, सावन का महीना, अब तो खैर एनी टाइम बारिश हो ही जा रही है, नहीं बारिश का टाइम है तो भी वर्षा हो ही रही है, लेकिन बारिश होने से पहले क्या होता है, आसमान में जो बादल छाते हैं वो किस कलर के हो जाते हैं, काले काले से। ठीक है, तो वह काले काले बादल के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि आसमान में जो बादल आए हैं उनके अंदर क्या है, उन काले काले बादलों के अंदर पानी भरा पड़ा है, और वह पूछ रहे हैं कि बोलो बादल तुम कैसे आकर छा गए हो, तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है कि हे काले बादल तुम पानी भर करके, पानी वाले बादल तुम इस आसमान में क्या सोच करके छाए हो। हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए कैसे काले कंबल, सॉरी छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। वे आगे बोल रहे हैं कि इन काले बादलों को हवा क्या करती है, पकड़ कर ले आती है, सरसर सरसर करते हुए हवा बहती है और वह उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। आप देखते हैं कि बादल कहीं छाता है और अगर उसी समय ज़ोर से आंधी आती है, और आंधी आती है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है और बादल, यहाँ का बादल उड़ करके पता नहीं कहाँ चला जाता है, हम जान भी नहीं पाते हैं, फिर सुनते हैं उस जगह बारिश हुई है, तो ये काम हवा का है। हवा तेज़ी से चलती है और उस बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि तुमको हवा पकड़ कर लाई है और तुम तो आसमान में ऐसे लग रहे हो जैसे कि काला कंबल छाया हुआ है, चारों तरफ से काला कंबल बिछा दिया गया है, तुम कितने सुंदर लग रहे हो बादल, हे बादल तुम कितने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल काले कंबल के समान लग रहे हो और हवा तुमको पकड़ कर ले आई है। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। देखो, जब बादल आसमान में छाता है तो आप जो भी सोचोगे उस हिसाब से उसकी आकृति, उसका आकार बन जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग आसमान में देखते रहते थे, तो बादल कभी लगता था कि हाथी बन गया है, कभी भेड़ बन गया है, कभी वो राक्षस जैसे लगता था, ठीक है, कभी वो बच्चे या किसी बच्ची की जैसी आकृति लगती थी। तो वही कवि कह रहे हैं कि जो आसमान में बादल छाए हैं वो कभी पेड़ जैसे लग रहे हैं और कभी भेड़ के झुंडों के जैसे लग रहे हैं, और कभी लग रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, और कभी कभी लगता है कि दो हाथी एक साथ चल रहे हैं, ऐसी उनकी आकृति बन जाती है। ठीक है, यानी कि वह काले बादल कभी हाथी जैसे लगते हैं, कभी घोड़े जैसे लगते हैं, कभी पेड़ जैसे लगते हैं और कभी भेड़ जैसे लगते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। जब हम पानी गर्म करते हैं या सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, बहुत गर्मी होती है उनकी रोशनी में, तो जो धरती का पानी होता है ना वो भाप बन करके, नन्हे जलकण यानी कि भाप बन करके वह ऊपर चले जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, और जाकर के वह क्या बन जाते हैं, जब ठंडक पाते हैं तो वह बादल बन जाते हैं, और जब वह ठंडक पाते हैं तो वही बादल पानी के रूप में बरसने लगते हैं और हम क्या चिल्लाते हैं, बरसा आई बरसा आई। देखिए, हम
अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में जब पानी गर्माया जाता है या कोई भी खाना बनता है तो आपके वह भाप जो है वह हाथ लगाइएगा दूर से या कोई बर्तन रखिएगा तो उस पर छोटे छोटे नन्ही नन्ही बूंदें बन जाती है। ठीक वही ऐसा सब जगह होता है, सूर्य की गर्मी पा करके जो धरती का पानी है वह ऊपर भाप बन के उड़ जाता है और उड़ करके वह बादल बन जाता है। और जब वह बादल किसी ठंडे जगह पे पहुंचता है, किसी पेड़ पौधे के संपर्क में आता है या ठंडे स्थान पे आता है तो वो पानी बनकर बरसने लगता है। इसीलिए हम लोग सब लोग सरकार या सब लोग क्या बोलते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो जहाँ भी हरियाली ज़्यादा होगी वहाँ पे बारिश अच्छी से होगी। करते गड़गड़ आते बड़बड़ बड़बड़ बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। जब बादल बरसने को होते हैं तो कितने गड़गड़ाते हैं, बहुत तेज़ जिसे अजीब गड़गड़ाहट होती है और आगे को बढ़ जाते हैं। बिजली बादल को चमकाए और उसी दौरान जब जो है बिजली जलने की प्रक्रिया होती है और कस की आवाज़ होती है फिर उसके बाद से बिजली चमकती है। ठीक है, तो इस दौरान में क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है और उस अंधेरे में भी बिजली चमकने के दौरान रोशनी हो जाती है और राहगीरों को रास्ता भी दिख जाता है जिनके पास टॉर्च वगैरह नहीं होता है। आप देखें हैं जब बिजली चमकती है तो आपको दूर दूर तक बिल्कुल फ्रेश सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। मोर मगन मन छूम छननन, झूम झूम नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। मोर क्या करते हैं, जब बादल आते हैं तो झूम झूम करके झूम झूम करके नाचने लगते हैं, उनका मन खुशी के मारे नाचने लगता है झूम झूम करके। कैसे, छनन छननन छनन छननन, मतलब उनके नाचने में एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य मनोरम दृश्य दिखता है और आपका भी मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है उनका डांस देख के, उनका नृत्य देख करके। और वह झूम झूम कर अपने पंखों को फैला फैला करके खुशी से नाचने लगते हैं और खुश होकर के गाना भी गाने लगते हैं। पीहू पीहू की आवाज़ में वह अपने मतलब जैसा भी मोर का आवाज़ होगा वैसा वह चिल्ला चिल्ला करके खुशी के मारे गाने लगते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गईया। जब पानी बरसने लगता है और उस पानी का जो आवाज़ होता है वह कैसा होता है, कल कल छल छल, खूब तीव्र गति से जब आप पानी बरसता है तो आप देखे होंगे बहुत जल्दी गली वगैरह सड़क वगैरह भर जाती है और पानी कल कल करके छल छल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है। उसी में बच्चे क्या करते हैं, हम भी नाव तैराए हैं, आप भी नाव तैराए होंगे, छोटी छोटी कागज़ की नाव बना करके उसी बारिश में जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता है और गहराई होती है बच्चे वहाँ पे अपनी नाव डाल देते हैं और तैराने लगते हैं खुशी उल्लास से। और जब बारिश ज़ोर से होती है तो जानवर लोग क्या कहते हैं, भीगे ना वह बारिश में, उनका शरीर ना भीगे, इसीलिए वह अपनी पूंछ मतलब खूब तेज़ी से दौड़ते हैं तो वह अपनी पूंछ उठा करके दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। आप देखते होंगे डॉगी को, बिल्ली को, चिड़िया को, गैया को, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, भाग करके कोई ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ वह भीगने से बच जाएं और फिर अपने बॉडी को ज़ोर से झटकारा भी मारते हैं ताकि पानी जो उनके शरीर पे लगा है वह झड़ जाए। तो बच्चों ये बहुत प्यारी सी स्टोरी थी बादल के बारे में जो हम लोग भी खुद कल्पना करते हैं जब बारिश होती है। और जब हम लोग भी छोटे थे और आप लोग भी छोटे हो तो हम लोग भी क्या करते थे, जब बादल की आकृति देखते थे तो एक दूसरे से फ्रेंड्स मतलब अपनी सहेलियों से, अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से बात करते थे, देखो वो हाथी का जैसे चित्र बन गया है, वो शेर के जैसे बन गया है। तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे। तो ये था बादल के बरसने का पूरा एक जो है क्रम था। और क्या कहते हैं, आप क्या करिएगा कि इसका अभ्यास बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।